बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपनी जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है सुपर फास्ट पाइनएप्पल केक, जिसको मैं बटर, मिल्क और एग के बगैर बनाऊँगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक स्क्वायर केक वाला पैन ले लिया और इस पे मैंने ये क्लिंग फिल्म लगा दिया अंदर तक इसको प्रेस करके। और सबसे पहले मैं इसमें ये स्पंज फिंगर्स ये डिप करके लगाऊँगी मैं पाइनएप्पल में। पाइनएप्पल का मैंने कैन लिया है, उसमें से जो वाटर निकला है उसमें डिप करके मैं लगाऊंगी। आप कोई से भी बिस्किट, जो आपको अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैंने पाइनएप्पल के रिंग्स लिए, इनको मैं मिडल से हाफ कर दूंगी और इनको मैं इस तरह पैन में लगा लूंगी चारों साइड पे। इस तरह चारों साइड पे मैं इनको लगा लूंगी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है 300 ग्राम। अब हम इसको क्रीम में मैं क्वार्टर कप जो है शुगर ऐड करूंगी। इतने शुगर मुझे, हमारी बारीक होती है इसलिए मैंने उसको ऐसे ही डाल दिया है। अगर आपकी मोटी शुगर हो तो आप उसको ग्राइंड करके फिर डालें। हमारी क्रीम देखें बहुत अच्छी तरह विस्क हो गई है। मैंने 10 ग्राम का साशे लिया था अनफ्लेवर्ड जेलाटीन का और इसको मैंने पाइनएप्पल के पानी में डिसॉल्व कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। और ये मैंने पाइनएप्पल के चंक्स ले लिए थे वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आपको जेलाटिन इजीली अवेलेबल ना हो तो आप पाइनएप्पल जेली भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं सारा ये बटर इसके अंदर डाल दूंगी। अब फिर से ये मैं इन स्पंज फिंगर्स को पाइनएप्पल के पानी में डिप करके इसके ऊपर से प्रोसेस को रिपीट कर दूंगी। ये मैंने लेयर बना दी है इसकी। अब इसको मैं 2 आवर्स के लिए फ्रिज में रख दूंगी। 2 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इस केक को बाहर निकालूंगी पैन में से। अब मैं इसको डेकोरेट कर लूंगी।
मैं काट के इसको आपको बताती हूँ।